यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें बेहद करीब आ गई हैं। परीक्षा को लेकर अब प्रवेश पत्र जारी होने वाला है। कल बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। क्या गाइडलाइन है, कब का परीक्षा होगी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कल यानी 20 अगस्त को परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी पीबीआरपी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की बात वेबसाइट पर की गई है। इन सब के बीच बोर्ड ने परीक्षा को लेकर अहम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपी पीबीआरपी ने अपनी वेबसाइट पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा से 30 मिनट पहले केंद्र के अंदर एंट्री बंद हो जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। काला नीला बॉल पॉइंट पेन ही साथ लाना होगा। बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। अभ्यर्थी अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं ले जा पाएंगे। पिछली बार पेपर लीक के बाद बोर्ड इस बार काफी सख्ती बरत रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 81 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं वाराणसी में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर एसटीएफ की भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।